वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज आप लोगों का क्लास एट का एग्ज़ाम हुआ है, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, सारा इन सब विषय का एग्ज़ाम आज ही हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का आंसर की करते हैं, हिंदी का देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से देखिए आप लोग मिलाइए आप लोग का 50 में से कितना नंबर सही हुआ है, ठीक है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि अब 8 के बाद 9th का वीडियो इस पर सारा अपलोड होगा। पहले से बहुत सारा वीडियो अपलोड है लेकिन 9th का भी एक नए तरीके से स्टार्ट हो जाएगा वीडियो अपलोड होना, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी जल्दी से जल्दी मिला लें और देख लें कि कितना नंबर उन लोगों का आ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ था कि पुस्तक हमें देती है, तो पुस्तक हमें क्या देती है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ज्ञान और जानकारी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका कि घूमने से हमें क्या मिलता है, घूमने से सेकंड ऑप्शन सही है, अनुभव मिलता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है भारत के पश्चिम में क्या है, तो भारत के पश्चिम में आपका रेगिस्तान और समुद्र है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन है जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं, तो फोर्थ का आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है उत्तर का विलोम शब्द, तो उत्तर का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए उत्तर का विलोम दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, तो फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन में देखिए फिर से एक काव्यांश दिया है, काव्यांश क्वेश्चन है कि उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए, तो इस काव्यांश का शीर्षक हो जाएगा पेड़, तो सिक्स का वन नंबर सही है। सेवन नंबर में देखिए पू की पेड़ धूप में रहकर हमें क्या देती है, पेड़ धूप में रहकर हमें छाँह देती है, तो सेवन का फोर सही हो जाएगा। एट नंबर में है कि दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं, तो एट का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद नाइन नंबर है कि हमें किससे प्राण मिलता है, तो हमें प्राण विशुद्ध वायु से मिलता है, ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन सही था। टेंथ नंबर में देखिए उपवन का पर्यायवाची शब्द, तो टेंथ का आपका जो उपवन का पर्यायवाची शब्द बाग बगीचा वाटिका सब होता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, टेंथ का फोर सही है। उसके बाद इलेवंथ नंबर में देखिए अग्नि का तद्भव रूप बताइए, तो इलेवंथ नंबर में आपका सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आग, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद ट्वेल्थ नंबर उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो उच्चारण का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन उत्जोड़ चारण। उसके बाद थर्टीन नंबर में देखिए सम्मान का विलोम, सम्मान का विलोम शब्द क्या होता है, तो अपमान होता है। उसके बाद पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द 14 नंबर का चार बेटा हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए, तो अभिमान में आपका जो है 15 का अभी हो जाएगा उपसर्ग, तो सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि आई प्रत्यय से बना शब्द है, तो आई प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो पढ़ाई बना है, तो 16 का फोर सही हो जाएगा। 17 में सेनापति में कौन सा समास है, तो सेनापति में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि टोकरी में रसीले आम रखे हैं, विशेषण बताइए, तो विशेषण क्या, इसका रसीले हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद 19 नंबर में है कि मित्तु राखाल के कुछ मित्तु डैश रखाल के साथ कुछ अमरुद भिजवाए थे, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, तो 19 नंबर में आपका थर्ड ऑप्शन ने, मित्तु ने रखाल के साथ कुछ अमरुद भिजवाए थे, ये हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाथ मिलाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बहुत पछताना, हाथ मिलाना नहीं हाथ मलना है, ठीक है, तो हाथ मलना का बहुत पछताना हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से एक दिया हुआ है गद्यांश, तो इसमें बोला है कि किस शीर्षक से लिया गया है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो 21 का तीसरा सही हो जाएगा झारखंड के दो सपूत। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी शासन व्यवस्था की नींव है, तो हमारी शासन व्यवस्था की नींव क्या है, तो 22 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा भारतीय संविधान। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि मारांग गोम के किन्हें कहा गया है, तो इन्हें ये जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1946 में किसका गठन हुआ था, तो 24 नंबर में जो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा संविधान सभा का गठन हुआ था। फिर सपूत का विलोम शब्द क्या होता है, तो 25 नंबर में सपूत का विलोम शब्द कपूत होता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा जादूगर पैसा क्यों कमाना चाहता था, तो छोटा जादूगर पैसा माँ की सेवा के लिए कमाना चाहता था, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का थर्ड ऑप्शन रुपया दिया। उसके बाद 28 में हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, 28 का सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर संगीत का। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है, तो ये आपका
औषध के समान है, यानी दवाई के समान है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों बिल्लियों का तस्वीर क्यों बनाया करते थे? तो इसका सही हो जाएगा दिमाग को आराम देने के लिए, तो 30 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर कि कहाँ थे। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग की राजकुमारी क्या नाम था? तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो ये आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पश्चिम की ओर। उसका 34 नंबर में है कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? तो ये दुश्मन समझ रहा था, तो 34 का सेकंड ऑप्शन सही है। उसका 35 नंबर देखिए, डॉक्टर चंद्रा में कौन से गुण थे? तो 35 का सही हो जाएगा फोर्थ, इनमें से सभी। उसके बाद 36 नंबर देखिए, 36 नंबर में एक काव्यांश दिया गया है, फिर इससे क्वेश्चन है कि उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो ये जो काव्यांश है आपका पथ की पहचान से ली गई है। फिर कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है? तो 37 का हो जाएगा सही आपका पथ की पहचान, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 38 का है, बटोही का क्या अर्थ है? तो बटोही का अर्थ आपका होता है फोर्थ ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी, यात्री राही और पथिक सभी होता है। फिर 39 नंबर है, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? तो इसका सही हो जाएगा आपका फर्स्ट पद चिन्ह, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 40 नंबर है, उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, राह में आगे बढ़ने की। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकता है? तो पुष्प जो है आपका वो सौंदर्य का प्रतीक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है? तो इसका सही हो जाएगा आपका अपने भाग्य पर। उसके बाद मतलब इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 42 का सेकंड नंबर। 43 में राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? तो 43 का सेकंड भरत हो जाएगा आंसर। उसके बाद 44 नंबर है, श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी? तो 44 में आपका सही हो जाएगा सेकंड, इनमें से सभी। उसके बाद 45, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो इसका सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मुख, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर है कि किस कविता में प्रकृति को दूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है? तो इसका सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। उसके बाद 47 नंबर में है, रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती हैं? तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, प्रदूषित होने के कारण। उसके बाद 48 नंबर में है कि तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है रामचरितमानस से, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर है, डायन का एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गाँव के लोग किसकी मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते हैं? तो इसका सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बूढ़ी औरत को, ठीक है। लास्ट आपका जो क्वेश्चन था 50 नंबर में कि डायन ने अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया है? तो इसका सही हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, अंधविश्वास का, ठीक है। तो 50 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अंधविश्वास। उसके बाद हम लोग करेंगे इंग्लिश का, तो अभी ये हिंदी का कंप्लीट कर लिए हैं इसमें 50 क्वेश्चन, तो आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए 50 में आपका कितना मार्क्स आया है। उसके बाद इंग्लिश का भी देख लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास फटाक से शेयर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।